दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच में जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के बाद तूफानी बल्लेबाजी को देख बौखला उठे इंग्लैंड के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के तीसरे दिन के तूफानी प्रदर्शन को देख इंग्लैंड के दिग्गज बौखला उठे हैं। इस बीच केविन पीटरसन, माइकल वॉन से लेकर नासिर हुसैन, एलिस्टर कुक ने भारतीय टीम को धमकाते हुए एक ऐसा धमकी भरा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन के खेल में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए, पर इसका पीछा करने आई इंग्लैंड की टीम 319 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 126 रन की भारत पे जीत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन के समापन तक 200 रन के स्कोर पर अपने स्कोर को पहुंचाया और लीड को भी 350 रन के करीब ले गए। ऐसे में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के दिग्गज बौखला गए और उन्होंने भारत को धमकाते हुए सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में सभी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, साथ में गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन भारतीय टीम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत ना समझे क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके पास जितने भी काबिलियत इस मैच के लिए नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हम भारतीय टीम के खिलाफ चौथे दिन बहुत काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत भी चौथे दिन दर्ज कर लेंगे। तो वहीं माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाज और गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया है बल्कि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच को रोमांचक बनाने का कार्य किया। ऐसे में अगर हमारी टीम के खिलाड़ी और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम को बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सामने हमारी टीम के खिलाड़ियों को कमजोर बिल्कुल भी ना समझा जाए क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब भारत हमसे हार के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। तो वहीं नासिर हुसैन का बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों और गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, भारतीय टीम की तरफ से हर कोई बेहतर प्रदर्शन कर रहा है लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच को काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में ले जाने का कार्य किया, लेकिन अचानक से भारतीय गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन करना हमारी टीम को दिक्कत प्रदान कर गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम ऐसी स्थिति से वापसी करने में माहिर रहे और हमारी टीम ने इस तरीके से कई मैच जीते हैं, ऐसे में अब इस मैच में भी हमारी टीम को कमजोर समझने की भूल न की जाए क्योंकि हम भारत को बुरी तरीके से हराएंगे। तो वहीं एलिस्टर कुक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सामने हमारे गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन हमारी टीम अचानक से मैच में पीछे हो गई, हालांकि अभी तक मैच का रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ है और अभी भी खेल के दो दिन रह गए। ऐसे में बचे हुए चौथे और पांचवें दिन के अंदर भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ी जिस प्रकार से टेस्ट मैच खेलते हैं वो ड्रॉ की तरफ नहीं बढ़ते हैं, या तो मैच को अपने नाम करेंगे या फिर विरोधी टीम को जीतने में मदद पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब हमारी टीम जिस प्रकार की स्थिति में मौजूद है उसके चलते अब हमारी टीम को बिल्कुल भी कमजोर न समझा जाए क्योंकि हमारी टीम भारत को बुरी तरीके से हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने लगाया तूफानी शतक और शुभमन गिल ने लगा दिया शानदार अर्धशतक, तो क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक और शुभमन ने शानदार अर्धशतक लगाया है जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए। इस बीच इंजमाम उल हक, वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दोनों की तारीफ करते हुए दे दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देख पाकिस्तान ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन
ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं जब भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल की और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक लगाया, तो वहीं शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक लगाकर सभी को हैरान किया और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। जिस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर आज वो बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम के लिए इस मैच में लगभग जीत के करीब पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि भारतीय टीम अब लगभग मैच को अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसी के चलते भारत को मजबूती मिली है और अब भारत इन दोनों की वजह से ही जीत दर्ज कर पाएगा। ऐसे में इंग्लैंड की टीम अब भारत से हार के लिए तैयार रहे। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड की टीम के खेलने के अंदाज को अगर कोई खिलाड़ी काफी बुरी तरीके से परेशान कर पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस मैच के लिए ही नहीं बल्कि हर मैच के लिए इस तरीके का अप्रोच निभाया है और इंग्लैंड की टीम को बताया है कि उनसे ज्यादा तेज बल्लेबाजी करना भारतीय बल्लेबाजों को आता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अगर आज भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम दिक्कत का सामना करती, लेकिन यशस्वी जायसवाल को तूफानी शतक और शुभमन गिल के अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने सभी को प्रभावित किया है वो दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास इनसे बेहतरीन बल्लेबाज फिलहाल की स्थिति में मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और शतक को पूरा करने के साथ जायसवाल ने बता दिया है कि उनके पास बेहतर बल्लेबाजी करने की काबिलियत पहले से ही मौजूद है और भारत की धरती पर आकर उनसे बेहतर बल्लेबाजी कर पाना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अब खिलाड़ियों से बचकर रहने के लिए इंग्लैंड की टीम को काफी आवश्यकता है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। जिस प्रकार से जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया और टुकड़ों में मैच को खेला है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पहले उन्होंने टीम की स्थिति को समझकर धीमी बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाने के बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल के अलावा शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने जायसवाल का साथ देते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और जब बेहतरीन स्थिति में भारतीय टीम पहुंच गई तो उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की जो खिलाड़ी की असल पहचान है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आया भारतीय गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मैदान पर तहलका मचाया। वहीं गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने इंग्लैंड की टीम खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गई। आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर कहर बरपा दिया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ में साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने आई, जहां पर रोहित शर्मा के 131 और रविंद्र जडेजा के 112 रन के दम पर भारतीय टीम ने दूसरे दिन दूसरे सत्र के दौरान 130.5 ओवर में 445 रन ऑल आउट होकर बनाए।